मैं देख रहा हूं पिछले दो तीन सप्ताह से कुछ बयान बहादुर लोग, कुछ बड़बोले लोग अनाप शनाप बयानबाजी राम मंदिर लेकर के शुरू कर दी है। देश के सभी नागरिकों का भारत की सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान बहुत आवश्यक होता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, सब पक्ष अपनी बात रख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट लगातार समय निकाल करके बातों को सुन रही हो, तो मैं हैरान हूं ये बयान बहादुर कहां से टपक गए हैं। क्यों पूरे मामले में अड़ंगे डाल रहे हैं? हमारा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए, हमारा बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है उस पर भरोसा होना चाहिए, हमारा भरोसा भारत की न्याय प्रणाली पे होना चाहिए। और इसलिए आज नासिक की पवित्र धरती से मैं देश भर में ये जो बड़बोले लोग हैं, बयान बहादुर लोग हैं, उनको हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, भगवान की खातिर, प्रभु राम की खातिर, आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ भारत की न्याय प्रणाली के प्रति श्रद्धा रखें। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के, एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह का बर्ताव और सहयोग करना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। विपक्ष के नाते वो सरकार की आलोचना करे, मेरी आलोचना करे, देवेंद्र जी की आलोचना करे, ये उनका अधिकार है। लेकिन राष्ट्रहित में ऐसी बातें करना जो आतंक परस्तों के लिए अपप्रचार का हथियार बन जाए, विदेशों में उनके बयानों के आधार पर भारत पर हमला हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। साथियों, कांग्रेस की कंफ्यूजन ये तो मुझे समझ आती है, लेकिन शरद पवार, आप जैसा अनुभवी नेता जब कुछ वोट के लिए गलत बयानी करने लगे तब बहुत दुख होता है। शरद पवार जी को पड़ोसी देश अच्छा लगता है, ये उनकी मर्जी, वहां के शासक प्रशासक उनको कल्याणकारी लगते हैं, ये भी उनका आकलन है। लेकिन ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि आतंकी फैक्ट्री कहां पर है और जुल्म और शोषण की तस्वीरें कहां से आती है। साथियों, राजनीति में नेताओं की, दलों की हार-जीत होती रहती है, लेकिन देश को जिताना हम सभी का दायित्व होता है।
महाराष्ट्र की इस भूमि का की विशेषता है।